क्लास तो क्या दिलवाए थे अब्बू ने? गुब्बारे दिलवाए वापसी पर। अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे दिलवाए। ठीक है, ये एमसीक्यूज नंबर 1 to 5 आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर के बाद, क्वेश्चन आंसर तो आपने कर लिए होंगे, उसके बाद ये एमसीक्यूज अपनी कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। ठीक है, और जिन बच्चों ने स्कूल से बुक्स ली है उनकी बुक्स आ गई हैं, उर्दू की बुक जो है वो आ चुकी है, आकर स्कूल से अपनी अपनी बुक ले लें। ठीक है, ताकि आपका वर्क कंप्लीट हो सके। आपको ये वर्क बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। ठीक है, अब पेज नंबर 15 पे आइए। पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन आंसर तो आप कर चुके हैं, अब ये क्या है जी क्लास, इसके क्वेश्चन आंसर तो आप कर चुके हैं, अब एमसीक्यूज भी आपके कॉपी में हो गए हैं। ठीक है, बुक में भी करना है एमसीक्यूज और कॉपी में भी। अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है रंगों के नाम पहचान कर लिखिए। आपको रंगों के नाम आते हैं ना, ये किस रंग की फ्रॉक है, उर्दू में लिखना है। ठीक है, ये किस रंग की फ्रॉक है, जी हरे रंग की फ्रॉक है। तो ये कौन सा कलर है, हरा, आप यहाँ लिखेंगे हरा। ठीक है, और ये किस रंग की फ्रॉक है, जी बताइए लाल, तो आप यहाँ लिखेंगे लाल। इसी तरह आपको फ्रॉक कलर्स के नेम यहाँ राइट करने हैं उर्दू में। ठीक है, जो कलर्स हैं तो सबको आते हैं, ठीक है, आते हैं ना, तो आप यहाँ पे ये नाम लिखिएगा रंगों के। ठीक है, तो ईद के दिन के बारे में मैं अच्छे से जुमले याद कीजिएगा, मैं आप सबसे जब स्कूल आएंगे ना तो सुनूंगी कि ईद के दिन आप क्या क्या करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा और जो वर्क आपको करवाया गया है क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यूज याद भी कीजिएगा। ठीक है, चलें अब डायरी देखिए, आपकी डायरी क्या है, क्लास ये आपकी डायरी है उर्दू की, रीड कलर्स राइट एमसीक्यूज इन कॉपी बुक पेज नंबर 14-15। ठीक है, सबक क्या है, खुशी का दिन। तो जो एमसीक्यूज मैंने आपको बुक में करवाए हैं, बुक में भी करना है एंड कॉपी में भी करना है। ठीक है, और रंगों के नाम भी आप बुक में भी लिखेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन डायरी में आपका ये वर्क होना चाहिए। चले, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।